तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा खासा विन भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने ही चैनल ड्रीम टीम में। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से आज के दिन का जो दूसरा ड्रीम इलेवन आइसलेट टी ट्वेंटी मैच होने वाला है BAW वर्सेस TGS के बीच में। और इस मैच में आपको यकीन मानो एक दो ऐसे ट्रंप बताने वाले हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम है और आपको वो एक तरफा विन करवा के दे सकते हैं। बाकी आपको ऑलरेडी हमारा जो है रिटर्न का रिजल्ट पता है, बैक टू बैक हम लोग क्लीनशिप पे क्लीनशिप कर रहे हैं डेली। उसके अलावा इस वीडियो में भी आप सभी के लिए जो है 200 रुपीज़ का बिल्कुल फ्री गिव अवे है, जिसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे दो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है गिव अवे के रिलेटेड, ठीक है, उसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा उसको बिल्कुल फ्री में 200 रुपीज़ पेटीएम कैश मिल जाएगा। और जो विनर का अनाउंसमेंट हो रहा है ना, कौन से विन किया, किस बंदे ने विन किया, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सारे मैचेस की फाइनल टीम वहीं पर मिलती है, गिव अवे का अनाउंसमेंट भी वहीं पर होता है, जाके आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 20,000 प्लस मेंबर ज्वाइन हैं। तो देख सकते हो भाई लोग, ये रहा हमारा टेलीग्राम, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। काफ़ी अच्छा खासा हमारा सारे मैचेस में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर फाइनल टीम एंड अपडेट्स मस्ट ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। अब देखो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ ड्रीम इलेवन पर। टीम क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। अब देखो, ये जो टीम है ना, TGS और BAW दोनों ही जो है बराबर की टीम है। तो ये मुकाबला ऐसा नहीं है कि एक तरफा मुकाबला, ऐसा नहीं होगा, बराबर का मुकाबला होने वाला है। तो आपको जो है अच्छे से अच्छे प्लेयर पिक करने हैं अपनी टीम में, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेके दें, ठीक है, जिसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, सीधा आपको उनको अपनी टीम में कवर अप करना है, प्लस CVC ट्राई करना है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा सब कुछ, बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आपको विकेट कीपर में दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है जर्लानी रॉबिन्सन, एक है जर्विन जेन बेंजामिन। दोनों आपको जो है विकेट कीपिंग प्लस सॉरी यहाँ से जो है जूनियर हेनरी जो है TGS की तरफ से और सॉरी BAW की तरफ से विकेट कीपिंग करेगा, और यहाँ से TGS की तरफ से विकेट कीपिंग करेगा रॉबिन्सन, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जो BAW का विकेट कीपर है ना, ये किसी भी मैच में चेंज हो सकता है। किसी किसी मैच में जूनियर हेनरी जो है विकेट कीपिंग करता है, किसी मैच में JGN, तो इसका कुछ श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। लेकिन रिसेंट के दो लास्ट के जो मैचेस में, उन दोनों मैचेस में JN ने जो है विकेट कीपिंग की, ठीक है। इसका हाइट बहुत छोटा है, इसका ध्यान रखना आप लोग। बाकी देखो, यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, रॉबिन्सन और JGN। JN जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपनिंग करने आएगा, और एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, अपनी विकेट की वैल्यू करके जो है प्ले करता है। लेकिन आज के मैच में इसके सामने बॉलिंग लेना थोड़ी खतरनाक है। यहाँ से नियाल पेन, खरमाल हैमिल्टन जो चलो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन भाई, नियाल पेन एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, आप इसको आउट कर सकते हैं। मलाकसाई जेवियर भी एक अच्छा बॉलर है, इसको आउट कर सकते हैं, साथ में यहाँ से जेस मैथ्यू। तो ये कुछ अच्छे बॉलर हैं, इसलिए यहाँ से इसके चांसेस हैं फ्लॉप होने के, इसलिए इस मैच में मैं JGN बेंजामिन को पिक नहीं करने वाला। बाकी आप लोग चाहो तो सेफ जाना ट्राई कर सकते हो। जे रॉबिन्सन को मैं पिक करने वाला हूँ, सबसे पहले विकेट कीपिंग आपको करके देगा, प्लस आपको जो है ओपनिंग बैटिंग करके देगा, और अपनी विकेट की वैल्यू करके खेलता है, ठीक है। जब देखेगा ये कि तेज़ी में रन चाहिए तो हार्ड हिटिंग करेगा, जब देखेगा कि मतलब धीमा खेलने से भी हम लोग विन कर सकते हैं, तो ये अपनी पारी को आराम से खेलेगा और विन करेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई, हर कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे जर्दानी और रॉबिन्सन एक CVC के लिए भी अच्छा ऑप्शन आपकी टीम में होना चाहिए। बैटिंग सेक्शन में JUGANE, KNCLM, TAVERNIER दोनों आपको जो है तीनों ही आपको जो है दो दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग देंगे, प्लस यहाँ से KNCLM के पास बैटिंग की एबिलिटी भी है, और TAVERNIER भी जो है बैटिंग कर सकता है। तो इन दोनों को आप लोग ऐसे CVC भी ट्राई कर सकते हो। बाकी एस रिजिस एक डिसेंट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फ्लॉप होता है, तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। डी लिवरपूल भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ज़्यादा अच्छा बैट्समैन नहीं है। बाकी जे जेरवियर और लेवेसायर और यहाँ से मॉरेंसी के पेल्टियर, ये चारों जो है किसी काम के नहीं है, कोई रोल नहीं इनकी टीम में, ना बैटिंग ना बॉलिंग, आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करना। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के, मलाकसाई जेवियर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रहा है, एक से दो ओवर की बॉलिंग कर रहा है, CVC के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज भाई इसको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी टीम की तरफ से। नेक्स्ट, यहाँ से जूनियर हेनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस मैच में, विकेट कीपिंग कर रहा है किसी किसी मैच में, चलो विकेट कीपिंग नहीं भी गया, लेकिन बैट्समैन काफ़ी अच्छा है, आपको जो है कम बॉल में ज़्यादा रन बना के दे सकता है। और भाई देखो, हार्ड हिटिंग भी ज़्यादा नहीं करता, तो टाइमिंग वाले शॉट बहुत मारता है। और एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ की बाउंड्री जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो टाइमिंग वाले शॉट्स बहुत ज़्यादा मारता है ये, जिसलिए चौका छक्का आराम से ये निकालता रहता है। तो इसीलिए जे हेनरी एक CVC का भी अच्छा ऑप्शन बनता है आपके मैच में, इसलिए, ठीक है। बाकी देखो, मर्विन मैथ्यू एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन इसका जो है फॉर्म चला जा चुका है, मतलब बहुत ख़राब फॉर्म से जो है गुजर रहा है। लास्ट मैच में भी काफ़ी स्ट्रगल करके इसने जो है 20 रन के आसपास स्कोर किया था, उसके बाद ये आउट हो गया था।
और आज के मैच में भी चांसेस हैं, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ TGS की टीम की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, इसीलिए चांसेस हैं इसके भी आज के मैच में फ्लॉप होने के, इसीलिए आज के मैच में भी इसको मैं पिक नहीं कर रहा। अब देखो जे मैथ्यू के भी चांसेस हैं आज के मैच में फ्लॉप होने के, बिकॉज BAW का टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है। यहाँ से JN बेंजामिन के साथ में यहाँ से ओपनिंग करने आता है मडविन मैथ्यू, और तीसरे पर आता है जे हेनरी। ये तीनों ही अच्छे बैट्समैन हैं, तो इसीलिए जे मैथ्यू आज के मैच में फ्लॉप हो सकता है। बाकी देखो TGS अगर पहले बॉलिंग कर जाए उस केस में हो सकता है हम इसको ट्राई कर लो, बिकॉज कभी कभार ये जो है डेथ में भी बॉलिंग डालने आ जाता है, ठीक है। बाकी TGS अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग करके उस केस में मैं मतलब हाई चांसेस हैं जे मैथ्यू को उस केस में ड्रॉप कर दूंगा, अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रहा। नेक्स्ट मैं पिक करने वाला हूँ ई बर्टन को, आपको दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग देगा, पहला और तीसरा ओवर जो है यही डालता है अपनी टीम की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, BAW की टीम के जो है चांसेस ज़्यादा है विन करने के मैच को, इसलिए आपको BAW के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर अपनी टीम में कवर अप करने हैं। और सिर्फ इसका जो है 2% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में भी मैंने इसको पिक किया था 35% इसमें दिया था, ओनली जो है 4% सिलेक्शन था, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दो ओवर की बॉलिंग आपको रेगुलर डाल के दे रहा है। लेकिन हाँ, इसके बाद जो है ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन भाई मैं इससे मिनिमम जो है 1 विकेट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है 1 विकेट तो ये बंदा लेके दे ही देगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, ए जॉली एंड पेन दोनों अपनी टीम के मेन बॉलर है, मतलब फास्ट बॉलर है दोनों अपनी टीम के, और भाई दोनों ही विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर ए जॉली पहले बॉलिंग कर जाए तो आप लोग CVC भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा ये बॉलर है, ठीक है। बाकी देखो के हैमिल्टन एक ऐसा बॉलर है जो विकेट के लिए बॉलिंग नहीं करता, ये जो है बॉल को डॉट करवाने के लिए बॉलिंग करता है, इसीलिए भाई मैं इसको अपनी टीम में कभी नहीं लेता, समझे, क्योंकि भाई हमें बॉल डॉट नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकेट, क्योंकि भाई विकेट के 25 पॉइंट मिलते हैं, इकोनॉमी के सिर्फ 6, तो इसलिए के हैमिल्टन से अच्छा आप लोग नीचे के प्लेयर को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ जी टाइसन को, जिसको बैटिंग बहुत अच्छी आती है, बैटिंग अगर कर गया तो 5-10 बॉल में इसके पास एबिलिटी है 20-25 रन स्कोर करने की, प्लस आपको जो है दो ओवर की बॉलिंग देता है जिसमें से एक ओवर डालता है मिडिल ओवर से 3 ओवर से 7 ओवर के बीच में, और दूसरा ओवर डालता है डेथ में 9वां या 10वां, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी देखो BAW की टीम अगर जो है पहले बॉलिंग कर जाए तो उस केस में CVC में इसको ट्राई कर दूंगा आराम से, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा बॉलर है, ठीक है। बाकी देखो एफ फ्रेडरिक एक विकेट टेकिंग बॉलर है, अगर खेल गया तो मस्ट है, आपके लिए होना चाहिए। इसका सिलेक्शन जो है मैक्सिमम 2-5% तक जाएगा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वैसे चांसेस कम है खेलने के, इसलिए ऐसा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ जे जोसेफ का। जे जोसेफ BAW की टीम का बॉलर है, और मतलब स्पिन बॉलिंग करता है, स्पिनर्स को यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज मिलता है, बॉल जो है डिप करके विकेट में लग जाती है, और आपको पता होगा नॉर्मल विकेट के कंपेरिजन में LBW बॉल का 33 पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगर जे जोसेफ एक विकेट भी ले गए ना तो भाई 33 पॉइंट आपको दे देगा आराम से, तो काफ़ी ज़्यादा होता है 33 पॉइंट्स, तो इसीलिए जे जोसेफ को मैंने अपनी टीम में कवर अप किया है। इसी के साथ भाई वीडियो टीम जो है मेरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी देखो गिवअवे की बात करते हैं, गिवअवे का पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, तो गिवअवे का पहला क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में जे हेनरी कितना रन स्कोर करने वाला है, आपको 5-5 पॉइंट के डिफरेंस के साथ बताना है, सॉरी 5-5 रन के डिफरेंस के साथ बताना है। लाइक आपको लगता है 30-35 रन तो आपको इस तरीके से लिखना है जे हेनरी 32-35 रन, इस तरीके से आपको जो है कमेंट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ तो आज के मैच में सबसे ज़्यादा बैटिंग से, मतलब बैटिंग सेक्शन से सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर जो है रन मारने वाला है, ठीक ना, याद रखना बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर विकेट कीपर या फिर बॉलिंग सेक्शन से नहीं। तो ये कुछ गिव अवे क्वेश्चन है, इन दोनों का ही आपको जो है आंसर करना है। अब देखो मान लो आपका आंसर जो है सही हो गया, आप विन कर गए, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको विनर होते हुए भी जो है प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो फटाफट से सब लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन की। तो पहले मैं आपको एक दो ऑप्शन देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ। जे रॉबिन्सन को सब दे रहे हैं, लेकिन BAW की टीम की बॉलिंग अच्छी है, फिर जी टायसन और ए जॉली जैसे बॉलर जो इनकी टीम में अवेलेबल है, और ये दोनों ऐसे बॉलर हैं ना जिनको आप लोग CVC भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई इसके सामने जे रॉबिन्सन के चांसेस हैं थोड़े से फ्लॉप होने के, लेकिन सबका कैप्टन वाइस कैप्टन है, इसलिए ड्रॉप करना तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, इसीलिए मैंने नॉर्मल प्लेयर ऐसे ले रखा है। बाकी ग्रैंड लीग में आप लोग जे रॉबिन्सन को ट्राई कर सकते हो, इस स्मॉल लीग में मैं आपको CVC सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही इसको ड्रॉप करने का सजेशन दूंगा, ठीक है। स्मॉल लीग का CVC की बात करूँ तो आप लोग रिस्क लेकर टेवर्नियर या फिर केन स्लिप, इन दोनों को एज ए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कैप्टनसी का मैं आपको ऑप्शन दूँ अगर, तो ए जॉली एक बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन मुझे इस मैच में लग रहा है, बिकॉज भाई बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। दूसरा बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन मलाकजई जेवियर, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग देगा, 1-2 ओवर के आपको बॉलिंग देगा। मैं अपनी कैप्टनसी देने वाला हूँ मलाकजई जेवियर को। अब देखो मेरा वाइस कैप्टनसी जो है ना कंडीशन पर डिपेंड करेगा, अगर BAW की टीम पहले बैटिंग कर गई तो वाइस कैप्टन मेरा होगा जी टाइसन, बिकॉज ये जो है थर्ड राउंड बैटिंग करने आ जाएगा और इसके पास बैटिंग की एबिलिटी है, कम बॉल में ज़्यादा रन आपको बना के दे सकता है। और अगर BAW पहले बॉलिंग कर गई उस केस में मैं ऐसे ए जॉली को बनाऊंगा, बिकॉज ये जो है आपको डेथ में एक ओवर की बॉलिंग ला के दे देगा। अभी के लिए मैं ऐसे जा रहा हूँ जी टाइसन के साथ,
बहुत अच्छा और विकेट टेकिंग बॉलर है। तो भाइयों इसी के साथ मेरी टीम जो है कंप्लीट हो जाती है। बाकी देखो एक बात ध्यान रखना, अभी जो है टॉस और लाइनअप कुछ भी नहीं हुआ, और बिना टॉस और लाइनअप के फाइनल टीम बनाना बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल कह सकते हो आप लोग। लेकिन जो फाइनल टीम होगी ना वो आपको मेरी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाके सब लोग ज्वाइन कर लेना, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा हमारा रिजल्ट आ रहा है। रिटर्न के मैचेस में लगभग 90% के आसपास हमारे विन रेट है, 10 में से 8 से 9 मैच हम इसी विन करते हैं ड्रीम 11 आइसलेट रिटर्न के मैचेस के। तो इसी के साथ भाई वीडियो जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेहनत का। चैनल पर नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो मेरे भाई किस बात का आप लोग वेट कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।